नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं काजल चौहान। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां जुम्मे की अलविदा की नमाज के बाद रोजेदारों ने अतीक अहमद अमर रहे के नारे लगाए हैं। जुम्मे की अलविदा नमाज के बाद वहां मौजूद रोजेदारों ने अतीक अहमद अमर रहे के नारे लगाए हैं। आपको बता दें कि खबर पटना से है, जहां जुम्मे की अलविदा नमाज के बाद रोजेदारों ने अतीक अहमद अमर रहे के नारे लगाए। हमने दुआ किया, या अल्लाह अतीक अहमद की शहादत को कबूल फरमा। आज हमने यही दुआ किया अल्लाह से, अतीक अहमद, असाफ अहमद और असद अहमद की शहादत को कबूल फरमा। उन्हें मारा गया पूरी तरह से प्लांड वे में मारा गया। योगी सरकार ने उनको प्लांड वे में मरवाया, इसमें कोर्ट मिट गया। सरकार और पुलिस सबका हाथ उसको मरवा लो। उनकी शहादत हुई है क्या? बिल्कुल शहीद अतीक अहमद अमर रहा है। शहीद हुआ वो रोजा के दिन में, उसको अपराधियों के जरिए सरकार और पुलिस ने मरवाया, वो शहीद है। पूरे दुनिया के मुसलमानों के नजर में वो शहीद हो गया। अपना पूरा नाम क्या लिखते सर? मेरा नाम रईस गजनवी है। गलत काम किया है तो कोर्ट है, कोर्ट भी जिम्मेवार है। कोर्ट ने रिमांड दिया था, पुलिस ने कोर्ट में लिख के दिया था, उनकी सुरक्षा का जिम्मेवारी लिया था, कोर्ट भी जिम्मेवार है। उनको सजा होता फांसी पर चढ़ा दिया जाता, हम लोग कुछ नहीं बोलते। लेकिन पटना में जुम्मे की अलविदा नमाज के बाद अतीक अहमद अमर रहे के नारे लगाए गए। अतीक अहमद के पक्ष में नमाज के बाद नारे लगाए जाने पर भाजपा की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आइए सुनते हैं। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, देखिए आपके राज्य में क्या हो रहा है। श्रीमान मुख्यमंत्री जी, अपराधियों को, आतंकवादियों को किस तरह से महिमा मंडित किया जा रहा है जुमे के नमाज के बाद। ये कौन राष्ट्रभक्त का भक्त के बारे में ये लोग नारे लगा रहे हैं? कौन समाज सुधारक के बारे में नारे लगा रहे हैं? आप इस पर कार्रवाई करें। आतंकवादियों पर, अपराधियों को इस तरह से महिमा मंडित किया जाएगा और किसी राज्य के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री को इस तरह से अपमानित किया जाएगा, इससे आपका महिमा मंडित नहीं होगा, कल आपके साथ भी ऐसा ही होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस तरह के जो कार्रवाई हो रही है, इस तरह का जो गुनाह हो रहा है, इसको रोकिए, नहीं तो ये देश को खंडित होने से नहीं बच पाएगा। आप बिहार को पाकिस्तान नहीं बनने दे माननीय मुख्यमंत्री जी। ये अतीक अहमद का जो महिमा मंडित हो रहा है, वो कोई राष्ट्रभक्त नहीं थे, वो देशद्रोही थे, वो कहीं ना कहीं अपराधी थे। अपराधियों और आतंकवादियों के लिए इस तरह का नारा इस राष्ट्र के लिए गुनाह है।